सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है नया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है विंडोज 11। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि विंडोज 11 हम लोग अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कैसे आप लोग अपने मोबाइल की हेल्प से या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर इजीली विंडो 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। आपके पास कोई भी ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी ब्राउजर आप लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर URL में टाइप कर लेना है UUPdump। इसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। एंड इसको लिख के आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना। तो जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आ रहा है UUPdump, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चला जाएगा, और ये एक तरह से UUPdump फाइल डंप जो है एक तरह से एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग विंडो 11 जो है वो डाउनलोड करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नीचे आ जाइएगा स्क्रोल डाउन करके, तो यहाँ पे नीचे देखिए विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सेम आ रहा है विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू। सो ये दोनों सेम ही है, आप लोगों ने यहाँ से कौन सा वाला चूज करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आप लोगों ने देखिए सेकंड नंबर पे जो आ रहा है आप लोगों को X64 वर्जन, आप लोगों ने ये चूज कर लेना और इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज लैंग्वेज, आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग हमेशा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करिए, बाकी यहाँ पे फ्रेंच पर्शियन वगैरह लैंग्वेजेस आपको आएंगी, हिंदी वगैरह लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। सो इंडिया में मोस्टली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोगों ने यही इंग्लिश जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे एडिशंस के ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी आपको विंडो होम चाहिए, होम एंड चाहिए, प्रो चाहिए, प्रो एंड चाहिए, या फिर विंडोज टीम चाहिए। तो इसमें से आपको जो भी विंडो चाहिए होगी वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से विंडो प्रो को जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सबको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे विंडो प्रो जो है वो सेलेक्ट कर लिया। आपको विंडो होम चाहिए होगी तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो टीम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सही लगती है। अब ना उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज प्रो को प्रोफेशनल को सेलेक्ट कर लिया, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नीचे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट योर डाउनलोड ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोगों को तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, डाउनलोड UUP सेटअप और डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू ISO। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू ISO, बिकॉज मैं एक ISO फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू ISO फाइल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे टोटल साइज जो है इसका लिखा हुआ आ रहा है कि 3.01 GB की जो है ये फाइल रहेगी आपकी। यहाँ पे विंडोज अपडेट कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज में है, एडिशन कौन सा है आपका, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ रहा है। अब यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड एंड कन्वर्ट टू ISO, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है क्रिएट डाउनलोड पैकेज पे। तो जैसे आप लोग क्रिएट डाउनलोड पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखिए ये डाउनलोड का एक जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली एक लिंक है जो आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर जाके जो है वो ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर। तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है AM64 22000.65_AMD64, ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे गाइस क्या करना है, इस फाइल को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने एक फोल्डर बना लेना है। यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एक विंडो 11 प्रो। गाइज यहाँ पे याद रखना है, आप लोग जब ये फोल्डर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है आपने, जब नाम लिखेंगे इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही रखना है, आप लोग कोई भी नाम लेके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विंडो 11 प्रो रख दिया। अब यहाँ पे ये रखने के बाद नाम आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो फाइल आपने डाउनलोड करी थी उसको यहाँ से कॉपी करना है, यानी कट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों ने पेस्ट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इस फाइल को आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स एक्सट्रैक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल्स जो है वो मेरी सारी एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। देखिए यहाँ पे
ये मेरी सारी फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट होकर आ गई। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए आपके पास लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है सबसे UUP_download_windows, आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। तो जैसे ही आप लोग इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो जो आपकी विंडो 11 है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो जो है वो ओपन हो गई और आपकी जो विंडो 11 है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। अब ये बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करेगा और आपकी जितनी भी ISO फाइल है वो सारी डाउनलोड करके आपके सेम इसी फोल्डर के अंदर डाल देगा। तो हम लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है मैं उसके बाद आपको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। सो गाइज यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि अब हमारी जो विंडो 11 है वो डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही आप लोगों की विंडो 11 जो है वो फुली डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस 0 to exit, आप लोगों ने 0 प्रेस करना है एंड इसको एग्जिट कर देना है, तो विंडो आपकी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं एक बार आप लोगों को फोल्डर में ले चलता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ जाके हमारी जो है विंडो जो है वो डाउनलोड हो गई होगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ तो ये यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बनाया था विंडोज 11 प्रो का, तो यहाँ पे देखिए ये ISO फाइल जो है वो मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ये देख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये विंडो जो है वो आपकी 3.97 GB की जो विंडो है ये आपकी डाउनलोड हो चुकी है, यानी ISO फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस कि कैसे हम लोग विंडो 11 की जो ISO फाइल है वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।